जी वेलकम बैक। और हम कर रहे थे डॉक्टर्स के बारे में काम, और जिसमें मैं बता रहा था कि ये जो हमने कमांड चलाई है दोबारा, तो इसने यहाँ पे एक और इंस्टांस डॉक्टर का, इसके कंटेनर का बनाया है, जो कि बेस करता है हेलो वर्ल्ड इमेज के ऊपर, जो कि जहाँ पे हम पहले ही लिस्ट कर चुके हैं। हेलो वर्ल्ड ये पहले नहीं था, और यहाँ पे इसमें हम इसका साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कंटेनर्स रन हुए हैं, जो ये कितना साइज़ इन्होंने कंज्यूम किया है। इसमें एक यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे LS में कौन कौन से अवेलेबल हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे पहले भी मैंने कमांड रन की थी, इसमें A का मैंने ये इस्तेमाल किया था कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रन हो रहे होते हैं कंटेनर्स उनको दिखाता है ये, लेकिन हम चाह रहे थे कि सब नज़र आएँ जो पुराने भी हैं। तो इसमें एक S के नाम से एट्रीब्यूट है, पैरामीटर है, तो इसको हम A भी लगाते हैं और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिर आसान ये है कि इस तरह आप लिख लें A और S इकट्ठा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइज़ भी इसका भी मेंशन कर रहा है कि, स्क्रीन में क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट नो स्पेस इसका आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम साइज है, तो KBs में है, तो ये भी छोटा है, इसीलिए शायद मेंशन इसने नहीं किया। तो इसमें यह है कि यहाँ पे साइज़ है, ये इसको भी बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कंटेनर रन होते हैं उसका साइज़ कम होता है। जैसे यहाँ पे इसका साइज़, वैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस इमेज का GBs में था, थ्री पॉइंट फोर, तो यहाँ पे कंटेनर में भी ये थोड़ा सा उसमें ऊपर, जो कंटेनर रन हो रहा है उसके हिसाब से जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो इसने सिर्फ शो की हैं, बाकी वो उसी का इस्तेमाल कर रहा है इमेज का डाटा। तो इसमें फ़ायदा तब होता है कि जब आप किसी इमेज को बार बार इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, जैसे उबंटू का इमेज है, मेन इमेज का यही साइज़ रहेगा, आप इसके 1, 2, 3, 10 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं इसको आगे कंटेनर बना के, तो वो फिर स्पेस कम लेंगे, वो सिर्फ अपनी लेंगे जो कि उनकी स्पेसिफिक है। तो अभी तो हम यहाँ पे चीज़ें रन कर रहे हैं, तो बाद में हम इनको अपने भी इमेजेस बना सकते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाए भी हैं, तो ये चीज़ें फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम इसको इनिशियल जो है इसको हम रन कर लें। एक तो बात ये है कि आपके यहाँ पे अगर इमेजेस फालतू हैं तो आप इन इमेजेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो जैसे अब मेरे पास ये वाला इमेज मुझे लग रहा है फालतू है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मैं इसका नाम कॉपी करूँगा, और क्योंकि ये लेटेस्ट है इसके साथ वर्जन नहीं है, तो वरना मुझे वर्जन भी मेंशन करना पड़ता, इसको रिमूव करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्टर इमेज रिमूव, RM रिमूव के लिए कोड है, और इसका नाम इमेज का। तो मैं रन करता हूँ और तो यहाँ पे इसने बताया है कि ये रिमूव हो गया है। अभी इसको मैं देखता हूँ कि इसके, मैं दोबारा लिस्टिंग करता हूँ इमेजेस की, तो अब ये वाला इमेज मुझे नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर में ये पहले ही मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो
अभी हम देखते हैं कि ये कंटेनर्स हमारे पास, ये साइज़ तो बहुत कम है, लेकिन ये हमारे पास एक यहाँ पे इस लिस्ट में रहेंगे तो थोड़ा सा हमें मैनेजमेंट में मुश्किल होगी, गैर ज़रूरी ये हमारे पास पड़े रहेंगे। तो इसमें जो फिर कंटेनर्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं। तो इनके जो नाम हैं इनकी अहमियत होती है, इसीलिए प्रॉपर नाम लिखने चाहिए। जैसे इनके अब मैंने नाम लिखे हैं, इनके लिए फिर मुझे मसला नहीं है। तो मैं अभी इस कंटेनर को मिसाल के तौर पे दोबारा मैं रन करना चाहता हूँ, तो आपको ये नाम या फिर इसकी ये आईडी ये चाहिए होगी। तो इसको स्टार्ट करना है, जो कंटेनर आपके पास बन चुके हैं इनको आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। यानी अब बजाय इसके कि मैंने इसी हेलो वर्ल्ड जो एग्जांपल है इसको दोबारा रन करने के, दोबारा रन किया है तो इमेज उसके उसका इमेज को रन किया है, तो उसका नुकसान ये हुआ है कि एक और कंटेनर बन गया है। तो बजाय इसके कि एक और कंटेनर बनाने के, पहले मैं इस कंटेनर को रिमूव करता हूँ। ये इस तरह होगा कि डॉकर और आरएम और आगे उस कंटेनर का नाम। तो अभी मैं फिर इसको दोबारा लिस्ट को, ऑल कंटेनर्स की लिस्ट को देख लेता हूँ, तो वो हमारे पास अब ये ख़त्म हो गया। तो मैं अब इस कंटेनर को दोबारा चलाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके ये कमांड लिखनी पड़ेगी, डॉकर और स्टार्ट और आगे कंटेनर का नाम। नाम प्रॉपर अगर हमने खुद से दिया होता तो फिर ज़्यादा अच्छा था, बाकियों के देखे नाम हमने प्रॉपर दिए हुए हैं उसमें, उनके साथ इतना मसला नहीं। अभी हम उनमें से भी कुछ कुछ ला के देखेंगे। तो लेकिन इसमें यह है कि ये इमेज रन होता है और साथ ही क्लोज हो जाता है ये कंटेनर, इसलिए यहाँ पे भी ये नज़र नहीं आएगा। और इसमें एक और अगर हम पैरामीटर इसमें अगर शामिल कर दें, एक आई के नाम से, इंटरेक्टिव के नाम से है, तो मेरे ख्याल है ये फिर हमें यहाँ पे आउटपुट भी दिखाएगा। हाँ जी, जिस तरह हमने इसमें शुरू में इसको स्टार्ट किया था, रन किया था इमेज को, तो उसने कंटेनर बनाया और उसको रन किया। तो अभी हम जो बना हुआ कंटेनर है उसको रन कर रहे हैं। तो बास कंटेनर इस तरह होते हैं कि वो स्टार्ट हम करते हैं उनको और वो फिर फौरन ही बंद हो जाते हैं। तो ये अगर हम इस कमांड को उसी वक्त चलाया होता तो ये थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे वो लिस्ट में आता, तो वो कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है ये इसकी एक और कमांड है उससे भी हम चेक कर सकते हैं। वो है डॉकर और शायद स्टेट्स के नाम से है। तो ये अब चलती रहेगी यहाँ पे कंटेनर, अगर हम कोई रन करते हैं, मैं देखता हूँ शायद ये थोड़ी सी, नहीं वो बिल्कुल ही स्टार्ट होता है और क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे वो लिस्ट में नज़र नहीं आता। तो बाकी हम चलाएंगे कंटेनर तो वो यहाँ पे नज़र आते हैं, वो उसमें हमें फिर पता लगता है कि वो सीपीयू कितना वो कंज्यूम कर रहा है, रैम कितनी ले रहा है, नेट की कनेक्टिविटी कितनी है, हार्ड डिस्क की कितनी है, इस तरह स्टेटिस्टिक्स ये मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पे इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो चलाऊँगा। तो इस तरह हम एक कंटेनर को दोबारा से चला सकते हैं। और इसी तरह अगर उस कंटेनर को हमने स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप की कमांड है, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही बंद रुका हुआ है तो इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही बंद है। तो यहाँ पे स्टेटस भी बता रहा है कि ये लास्ट टाइम कैसे वो एग्जिट हुआ है। तो अभी मैं इस कंटेनर को रिमूव करता हूँ, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इसका इमेज अभी पड़ा हुआ है, तो अगर तो मुझे इसकी इमेज की भी ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इसको इमेज को भी रिमूव कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले एक कमांड से किया था। लेकिन मैं देखता हूँ और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये पीएस का हमने देखा है, तो इसमें डॉकर में हम ये कर सकते हैं कि अपना एक वेब सर्वर रन करें
और उसको हम ब्राउज़र में एक्सेस कर सकें अपने ही कंप्यूटर के। तो इसमें मैं देखता हूँ फिर, या अभी देखता हूँ इसमें कुछ चीज़ ऐसे रिलेटेड है तो वो करता हूँ, या फिर वरना जो मैंने एक एग्जांपल पे काम किया है वो दिखाता हूँ आपको। एक डॉकर फाइल होती है, आपने नया अगर इमेज बनाना है उसके लिए बहुत अहम, और रन, खैर हम कर चुके हैं इमेज को और वो कंटेनर बन जाता है। तो यहाँ पे फिर ये है कि मैं आपको जो जिस इमेज पे मैंने काम किया है इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कंटेनर्स की लिस्ट में ये पड़ा हुआ है इस नाम से, तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा। मुझे मतलब नया इमेज से रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखें यहाँ पे वर्जन्स का भी चक्कर है, तो जब हम रन करते हैं उसमें अगर हम कॉलन लगा के, यहाँ पे इसके साथ कॉलन लगा के 1 में लिखूँगा तो फिर ये इस इमेज का कंटेनर बनाएगा, इस पे बेस करके होगा। लेकिन अभी मैं इसको जो कंटेनर बना हुआ है सिर्फ उसी को रन करना चाहता हूँ, जो कि ये वाला है। ये इस इमेज पे बेस करके बना है जो कि लेटेस्ट वाला है, वरना यहाँ पे इसका वो वर्जन मेंशन होता। और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसी तरह आई का पैरामीटर साथ पास करके, तो ये अब एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई है। तो इसको अगर हम देखें ये रुका, इसको चल रहा है। इसमें अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसेस की लिस्ट में देखूँ तो ये अब शो कर रहा है कि ये कमांड है, स्टेटस अभी ये है, ये पोर्ट है। अगर स्टैट्स में देखूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा बेहतर तौर पे पता लगेगा। सीपीयू मामूली से इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी 16 MB इस्तेमाल हो रही है, 1% से भी कम है, और ये नेट की इसकी कनेक्टिविटी जो है वो मामूली सी है। और ये इनिशियली मेरे ख्याल है जो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी हुई है। तो इसको अभी हम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मुझे ये यहाँ पे पोर्ट आ रही है ये मैं मेंशन करूँगा, या मैं इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। डॉकर्स के अंदर मैंने ये डॉकर फाइल है जिसकी बेस करके बनाया है हमने, ये एक्सपोज करते हैं हम इस पोर्ट पे। और यहाँ पे पोर्ट मेरे ख्याल है यहाँ पे भी मेंशन थी, यहीं पे मेंशन है। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ ब्राउज़र में लोकल होस्ट, और बल्कि जब मैंने ये क्रिएट किया था तो गालबन जो पोर्ट मैंने उस वक्त मेंशन की थी वो ये वाली थी 8888। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है वेब बेस्ड, पाइथन में बनी हुई है, और पाइथन में गालबन वो इस पोर्ट पे आउटपुट भेजता है। और जब हमने इसका कंटेनर बनाया था तो उस वक्त हमने मैंने जो इसमें पोर्ट मेंशन की थी कि मुझे किस पे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो वो ये वाली पोर्ट थी। तो वहाँ पे वो गालबन उसकी इंटरनल पोर्ट है, और ये उसको एक्सटर्नल एक्सेस करने के लिए ये है, मेंशन हमने खुद ही की थी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने एल्फाइन लिनक्स का एक्सेस किया है इमेज फ्रॉम, यानी यहाँ से हमने ये लिया। बाकी हमने पाइथन इस पर इंस्टॉल किया है, बाकी ये चीज़ें इसमें हम देखेंगे बाद में, अभी हम इसको सिर्फ वैसे मैं सरसरी सा गो थ्रू कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल जो है वो एप्लीकेशन है,
जो कि रन हो रही है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इमेजेस इसमें ऐड किए हैं। तो मैं इसी को, मुझे वैसे पाइथन में कोई ख़ास काम नहीं आता है ये, क्योंकि जो मैंने ट्यूटोरियल जो फॉलो किया है उसमें ये काम हुआ हुआ था। तो प्रोग्रामिंग मुझे आती है, तो ये तो मुझे आसानी से समझ आ रही थी कि यहाँ पे इमेजेस की लिस्ट है। तो यहाँ पे मैंने वो जो इमेजेस थे ट्यूटोरियल के अंदर वो ओपन नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने फिर कॉपी पेस्ट कर दिए दूसरे, और फिर मैंने इमेज बना लिया। तो मैं रीलोड करता हूँ तो दूसरा इमेज आ जाता है। तो इसमें यही काम हुआ हुआ है। तो इसमें आप देखें, ये रिक्वायरमेंट थी किसी एक चीज़ की, पाइथन की, और बाकी ये टेम्पलेट में यही जो हमें अभी नज़र आ रही है HTML, ये इसका बैकग्राउंड ब्लैक इन्होंने दिया है, थोड़ा सा कंटेनर ये बनाया, यहाँ पे छोटी सी कोई एक चीज़ मैंने इसकी फ़िक्स की थी, इमेज जो है वो बड़े साइज़ की थी वो उससे बाहर निकल रही थी, यहाँ पे इसकी मैंने फिर ये फ़िक्स की थी कि मैक्स विड्थ 100% कर देगी, ये उससे बाहर ना निकले। तो यहाँ पे वो URL ले रहा है। अभी खैर मैंने इसको पूरे कोड को समझने की कोशिश नहीं की है इतनी ख़ास, लेकिन ये समझ आ रहा है कि ये टेम्पलेट को ये कॉल कर रहा है और ये इसको पैरामीटर पास कर रहा है, और यहाँ पे पैरामीटर के लिए ये प्लेस हमने प्लेस होल्डर है और यहाँ पे वो रिप्लेस हो रहा है। तो पेज हम रीलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रैंडमली कोई एक चॉइस ले रहा है इनमें से, तो उसको ये कॉल कर रहा है। तो अभी ये एक एप्लीकेशन पाइथन की चल रही है। तो आप सोचें इस तरह कि आपके पास एक VPS सर्वर है जिस पे आपने ये सेटअप किया हुआ है सारा कुछ डॉकर, वहाँ पे आप एक क्लाइंट है या एक आपकी साइट है जो पाइथन बेस्ड है, तो वहाँ पे आप इस तरह उसको होस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या पड़ा है, जो डॉकर फाइल हमें बताती है कि एल्फाइन लिनक्स को इसने यूज़ किया है, तो ये एल्फाइन लिनक्स का हम साइज़ चेक कर रहे थे, 5 MB ओनली साइज़ है। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि उसमें पाइथन इंस्टॉल किया है और गालबन ये वर्जन 2 है, बाकी फिर ये रिक्वायरमेंट की फ़ाइल कॉपी की है, फिर इस लाइब्रेरी को ये फ्लैस्क इसको इंस्टॉल किया है, फिर हमारी जो ऐप वाली फ़ाइल है उसको कॉपी किया है, उस कंटेनर के अंदर टेम्पलेट फाइल को भी कॉपी किया है, और यहाँ पे फिर हमने बता दिया कि ये 5000 पोर्ट जो है उस पे इसको एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर जब हमने इसका कंटेनर बनाया है उसमें मैंने पोर्ट जो मेंशन की थी वो ये वाली थी 8888, तो इसलिए फिर मुझे वहाँ पे ये एक्सेसिबल हो रही है। तो इस तरह आप फिर 10, 20, 50 बहुत सारी आप एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके रिसोर्सेज भी साथ साथ देख सकते हैं, CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ रही है, तो ये वर्चुअल मशीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट है। तो अभी मैं क्योंकि इसको थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, तो जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इस पे ये इमेज मैंने जो बनाया है वो मैंने ये ट्यूटोरियल यहाँ पे खुला हुआ है इसको फॉलो कर रहा था, यहीं पे किधर डॉक्यूमेंटेशन में मुझे ये इसका गालबन लिंक मिला होगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं। जो डॉकर वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने इमेज होस्ट करने के लिए भी जगह बनाई हुई है, तो उस पर मैं देखें इसकी हब एक इन्होंने बनाई हुई है डॉकर हब, इस पर मेरी आईडी बनी हुई है पहले से। तो यहाँ पे मैंने अभी एक अपना इमेज यही वाला लोड किया है। तो आपने अगर इस इमेज को इस्तेमाल करना है अपने पास, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले डॉकर को इंस्टॉल करें, आपके पास विंडोज़ है या मैक है लिनक्स, उसके बाद आपने ये कमांड लिखनी है।
पुल की कमांड लगानी है। तो इसमें ये क्या करेगा कि ये वाला मेरे वाला जो इमेज है ये आपके पास यहाँ पे इस तरह, ये मेरे पास इमेजेस की लिस्ट आ रही है, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा और आपके पास ये चीज़ आएगी लेटेस्ट। थोड़ा सा साइज है, ये जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, और क्योंकि इसमें हम एल्फाइन लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये फिर आपके पास गालबन ये भी डाउनलोड होगी, और ये भी जब आप इमेजेस की लिस्ट शो करेंगे तो शायद ये भी आ रही होगी। बहरहाल मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो आपके पास ये चीज़ तो आएगी। और फिर बाकी तरीक़ाकार ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको रन किया है, स्टार्ट किया है, क्योंकि रन 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 का आप ये देख चुके हैं कि जिस तरह हमने ऊपर रन किया था। रन, और हमने बीच में उसका नाम और पोर्ट भी मेंशन की थी। अभी मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिर चलना भी रुक जाएगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज स्टॉप, वैसे वहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये इसकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, लेकिन मैं इसको चेक भी करना चाह रहा था कि इसको मैं अगर डायरेक्ट करूँगा इसको क्लोज, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ से भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं लिखता हूँ डॉकर स्टॉप, और अपने जो कंटेनर है उसका नाम, इसका मतलब ये है कि उसको ये स्टॉप कर रहे हैं, वरना ये एरर दे देता फौरन ही। तो देखिए यहाँ से भी एग्जीक्यूशन खुद ही बंद हो गई है। और यहाँ से भी ये लिस्ट में से निकल गया है। तो अभी हम इसको रीलोड करेंगे तो इसको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये डिसकनेक्शन हो गई है। तो आपको अगर अपने इमेजेस पब्लिश करने हैं तो फिर आपको यहाँ पे hub.docker.com पे अपनी आईडी बनानी होगी और इसको पुश करना होगा। पुश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा से इसके मैंने बताया हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बताई है। और पहला काम क्या है कि पुल करना है आपने, और दूसरा काम यह है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है, ये उस वक्त मुझे याद नहीं आ रही थी, ये कमांड हमने लिखी थी रन, और पी से पोर्ट मेंशन किया है कि हमारे पास जो होस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें ये पोर्ट इस्तेमाल होगी, और मेरे ख्याल है कि जो कंटेनर के अंदर ये पोर्ट ये वाली इस्तेमाल हो रही है, तो वो उसको फिर इधर हमारे इस पे शो करेगा। तो नेम में हमने इसका नेम ये मेंशन किया है फ्लैश कैप, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे हमने इमेज का नाम दिया है। तो अगर आप ये पहली कमांड छोड़ देते हैं और डायरेक्ट इसको रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको ये पुल भी करेगा। और फिर इस यूआरएल को हमने ओपन किया, ये देखें नीचे आप नज़र हमें आ रहा है बॉटम लेफ्ट पे लोकल होस्ट और वो 888 पोर्ट, तो ये आपकी मर्ज़ी की पोर्ट है, आप इसमें दे सकते हैं। वैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, उसमें रिकमेंड ये किया हुआ था कि जो पोर्ट्स 50,000 से ऊपर हैं, 65,000 समथिंग, 536 गालबन, वहाँ तक जो पोर्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक यूज़ के लिए, बाकी जो 1,000 तक वो वेल नोन गालबन पोर्ट्स हैं, और फिर 50,000 के दरमियान तक और जो कंपनीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं पोर्ट्स, तो आपने अपने यूज़ के लिए करनी है तो वो फिर उससे ऊपर करें। लेकिन यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन में यही पोर्ट थी तो मैंने भी शायद यही इस्तेमाल किया है। गालबन ये भी हम कर सकते हैं 1,000 से जो 50,000 के दरमियान है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 50,000 पोर्ट नंबर या उससे ऊपर वाली अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें।
इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी, मैं देखता हूँ यहाँ पे और कोई दिलचस्प चीज़। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो ये रन मैं कर रहा था, इसमें एल्फाइन लिनिक्स जो है इसको मैं रन करता हूँ, तो ये मेरे पास इसी नाम से है और इसको देखते हैं ये कैसे हमें इसका इंटरफेस मिलता है। डू डॉकर स्टार्ट, चूंकि हमने नया कंटेनर नहीं बनाना है, जो बना हुआ है उसी को चलाना है, तो अभी तो हमें ये पता नहीं चलेगा क्योंकि ये स्टार्ट होगी साथ ही क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, नहीं ये बैकग्राउंड में चल रही है, इसका मतलब है ये इसकी डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही शायद होगा। तो अभी मैं इसको पहले बंद करता हूँ, अभी मैं ए के बगैर लिखूंगा तो तब भी आनी चाहिए। इसमें ऐसा में मुझे टर्मिनल भी साथ चाहिए था, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। डॉकर स्टॉप और ये उसका नेम हो गया कंटेनर का। जी यहाँ पे अब यहाँ से भी निकल गया, मुझे सर में ये पैरामीटर एक पास करना था जो मैं भूल गया हूँ, आई वाला ये पैरामीटर है इंटरेक्टिव के लिए, हमें इसी वक्त ये हमें साथ में अब ये कंसोल मिल गया। पहले देखिए मैं अपने सिस्टम में लॉगिन था, अभी ये मैं ये वाला जो कंटेनर है उसके अंदर लॉग इन हो गया हूँ और ये चैनल साइन से पता लग रहा है मुझे कि ये यूज़र जो इसका लॉगिन हुआ है वो है रूट यूज़र। तो ls से हमें पता है ये लिस्ट करता है, ये वैसे इसका साइज़ काफ़ी थोड़ा है, इस वाली लिनक्स का 5 MB गलबन ये बहुत ही कम साइज़ है। वैसे इसमें कुछ कमांड्स चला के चेक करता हूँ, फ्री से वैसे फ्री मेमोरी चेक होती है और मैं साथ h का पैरामीटर देता हूँ ताकि मुझे वो उसके, अच्छा इसमें ये एच के पैरामीटर को सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये बहुत मिनिमल लिनक्स है तो इसमें शायद बहुत ही कम चीज़ें हैं। तो वैसे एच जो अक्सर जगह पे जो पैरामीटर है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कर देता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर अपने सिस्टम पे यही चलाता हूँ फ्री, तो यहाँ पे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जिस तरह मेमोरी फ्री इतनी है और इतनी यूज़ हो चुकी है, टोटल मेमोरी इतनी है, कैश इतनी हुई हुई है, अवेलेबल 4 GB है, तो यहाँ पे मिनिमल इन्होंने लिनक्स बनाई है, तो उसमें मेरे ख्याल है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो इस तरह हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, एक्सपेरिमेंट इसमें इस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कमांड मेरे जहन से निकल गया, मैं सर्च कर लेता हूँ। स्पेस इन लिनक्स इसके लिए कमांड है, मुझे भूल गया, df के नाम से गालबन कमांड है, df ही है, यही मुझे याद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे df की कमांड में लगाता हूँ। और इसमें भी वैसे तो ये h का होता है पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये
ये टेम्परेरी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, यहाँ पे मैं कर लिखता हूँ डी एफ एच, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा है। तो कंटेनर में सारे ये टेम्प फाइल सिस्टम उसको मिली हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, और जहाँ पे एक्चुअल ये हार्ड डिस्क ये है। ये असल में हार्ड डिस्क ये नाम है, बाकी टेम्प फाइल सिस्टम ये भी इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ कामों के लिए, बाकी ये स्नैप जो है ये इस्तेमाल कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम रिसोर्सेज देख सकते हैं, रिसोर्सेज सीपीयू तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, बल्कि मैं यहाँ पे एक टॉप की कमांड है जिसमें ये प्रोसेसेस पता लगते हैं चल रहे हैं। तो इसमें एक ये फ़ायदा होगा कि ये मुसलसल इसको रीड करेगा, सीपीयू को थोड़ा सा बिजी रखेगा, तो यहाँ से भी मुझे पता लगेगा सीपीयू थोड़ा सा ये फिर भी कर रहा है, उसको मेमोरी ना होने के बराबर ये इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह ये कनेक्टिविटी भी है थोड़ी सी, और आईओ भी ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्यू प्रेस करूँगा, इससे गालबन ये निकल जाता है, यस, या कंट्रोल सी, अक्सर जगह पे ये क्यू ही होता है। अगर आप लिनक्स के बारे में टर्मिनल के बारे में जानते हैं तो इसमें आपके पास पेजेस होते हैं हेल्प के लिए, मैन पेजेस हैं, मैन और आगे किस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं मतलब फ्री, ये इसके बारे में। यहाँ पे क्यू प्रेस किया इससे आउट, इस तरह और डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो फ्री के नाम से है, यहाँ पे भी क्यू प्रेस किया तो आउट हो गया। तो बाज़ जगह पे ये क्यू काम नहीं करता तो फिर आपको कंट्रोल सी से काम चलाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्ज़िट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मसलन एक इसमें टेक्स्ट नोट, क्योंकि टर्मिनल में जब आपने फाइल एडिटिंग भी करनी है तो वो फिर आपको नॉर्मल जो डेस्कटॉप के एडिटर हैं वो तो इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो मसलन यहाँ पे एक नैनो के नाम से गलबन एक एडिटर है नैनो, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल एक्स आप प्रेस करते हैं तो इससे ये एग्जिट करता है, अब क्यू प्रेस करने से ये एग्जिट नहीं हो रहा, कंट्रोल एक्स प्रेस किया है तो ये एग्जिट हो रहा है, ये कह रहा है सेव करना है, हमने कहा नो। तो ये मैं कंट्रोल एक्स किया डायरेक्ट किया क्योंकि फाइल में कुछ चेंज ही नहीं किया। इस तरह एक वी आई के नाम से एडिटर है, वी आई या वी आई एम के नाम से, तो इसमें देखिए एग्जिट करने का और तरीका है, यहाँ पे देखें कॉलन डालना है, क्यू लिखना है और एंटर। अगर सिंपल अगर फाइल में कुछ चेंज नहीं की, कॉलन नीचे देखें कंट्रोल यहाँ पर अब आ गया, क्यू प्रेस लिखा है और एंटर दबाया है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आपने जब सर्वर पे काम करना है तो फिर ऐसे ही होगा कि वहाँ पे आपके पास लोकल कंप्यूटर पे हो सकता है कि डेस्कटॉप इंस्टॉल हो, लेकिन जो आपका सर्वर जो एक्सेस कर रहे हैं हो सकता है आप एसएसएच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऐसे ही टर्मिनल आ जाएगा, तो फिर आपने कमांड्स के साथ ही काम चलाना है, या फिर आपने एफटीपी उस पर सेटअप किया हुआ है तो फिर ये हो सकता है कि आप अपने जो एफटीपी सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पे, तो वो फिर आप क्या हो सकता है वो फाइल जो है वो आप अपने मर्जी के जो एडिटर है जीयूआई बेस्ड उस पर उसको एडिट करें और एफटीपी से फिर अपलोड कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी एफटीपी सेटअप नहीं होता या आपने जल्दी से काम करना है छोटा सा है, तो फिर आप सिर्फ एसएसएच करते हैं और ये जो एडिटर हैं टर्मिनल बेस्ड वी आई नैनो, वी आई तो मेरे ख्याल है तकरीबन सब जगह पे ही होता है, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। तो अब जो हम कंटेनर था उससे हम बाहर निकल आए हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो अब ये कंटेनर क्लोज हो गया है।
तो पुरानी कोई कमांड्स चलानी हो तो उसमें ये लिनक्स टर्मिनल में ये है कि कंट्रोल और आर प्रेस करें, तो यहाँ पे आप कमांड जो पुरानी कमांड्स हैं उनमें से कुछ करेक्टर्स देखें, मसलन मैं जैसे कंटेनर सी ओ लिखा है, तो ये पुरानी जो कमांड मेरे पास टाइप हुई हुई थी वो इसने निकाल दिया, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये उसने चला दिया। तो इससे भी काफ़ी काम आसान हो जाता है, क्योंकि कमांड्स तो हो सकता है आपने लिखी हैं लेकिन भूल जाती हैं कभी, या पूरी टाइप करना आपको मुश्किल लगता है, तो जो जो आप लफ्ज़ टाइप करते हैं कंट्रोल आर करके, जो उसके करीब करीब आपकी जो कमांड आपने चलाई है वो उसमें लिस्ट में ऑटोमेटिकली आती जाएगी, जो मोस्ट रिसेंट होगी वो पहले आएगी, और आपने चलानी है वही कमांड जो नज़र आ रही है, एंटर दबा दें। तो इसमें आप देखें कि ये भी बता रहा है कि एल्फाइन लिनक्स जो है वो 43 सेकंड्स के बाद पहले क्लोज हुई है। तो इसमें जो चीज़ देखने वाली थी कि हमने इसमें जो इमेज इस्तेमाल किया है वो एल्फाइन लिनक्स 3.5 मेंशन किया है, तो ये फिर इसी वर्जन को चलाएगी। जैसे यहाँ पे इमेजेस हैं, एल्फाइन लिनक्स एक लेटेस्ट है, ये हो सकता है उससे ज़्यादा वर्जन हो, और एक ये है एल्फाइन लिनक्स 3.5, और हमें ये पता कैसे लग सकता है कि दोनों अलग हैं, वो यहाँ से ये इमेज आईडी से, यहाँ पे इसकी इमेज आईडी देखें ये एफ समथिंग है और एल्फाइन लिनक्स की ये कुछ और है, और जिसके ये सेम वर्जन हो ना तो उनकी ये आईडीज़ भी सेम होंगी। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली लेटेस्ट ये बनाई है, इसकी इमेज आईडी 70 और सारी, और इसको देखिए 1 लिखें ये भी सेम है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप जब इमेज बनाएं तो उसको टैग करें, तो एक ये इनका लेटेस्ट कट है, अगर डिफ़ॉल्ट अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये यही बनेगा। फिर आप उसका वर्जन नंबर भी मेंशन करें, अगर आप आपने इमेज जिस तरह इनका है, किसी ने अल्फाइन लिनक्स का यही वर्जन इस्तेमाल करना था, तो ये टैग बनाने से फ़ायदा है कि ये फिर इसी टैग को डाउनलोड करेगा। और जनरली ये कि अगर आप जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने जैसे उबंटू इस्तेमाल करनी थी तो मोस्ट रिसेंट ये गालबन ये 24 वाला इमेज होगा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने इसको रन उबंटू को देखकर रन नहीं किया हुआ, तो मैं इसको रन करता हूँ इस इमेज को, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, इसका कंटेनर रन करता हूँ और देखें, और मुझे साथ में कंट्रोल भी चाहिए, इसमें मैं लिखता हूँ नेम भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल आर किया है और यहाँ पे UBUN देखिए ये इसका मैंने पहले रन किया हुआ है तो ये आ रहा है उबंटू। तो यहाँ पे तो ये खैर एक कमांड चला रहा है, मैं इस पर ज़्यादा काम करना है, मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव ये इसमें मुझे नज़र आए, मैं अपनी मर्ज़ी की कमांड चलाऊँ, वरना ये वही इसको रन करेगा और फ़ौरन बंद कर देगा। UBUN और अभी मैं अगर ये वाली मेरी मर्ज़ी की कमांड नहीं है और मैंने इससे पिछली वाली इससे पुरानी जो कमांड टाइप की है वो देखनी है, तो मैं इधर से दोबारा कंट्रोल आर दोबारा से प्रेस करूँगा। अब देखें ये मैंने कुछ फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे हो नहीं रही थी सही तरह चीज़ें, पहले मैं और पीछे जाता हूँ, रन वाली कोई कमांड आएगी तो वो मेरे मतलब की होगी। ये मैंने एक पुराना वर्जन डाउनलोड किया था, ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, अब ये देखिए रन किया है, और यहाँ पे भी नेम मेंशन नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ मुझे वो नेम वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ हो रही है, बस और नहीं है इसमें, तो फिर मैं ये कि इसमें
इसमें खुद से मेंशन कर देता हूँ नेम, नेम उबंटू हो और उबंटू को ही रन करना है। तो अब ये उसका टर्मिनल आ गया और यहाँ पे भी अब ये रन होनी शुरू हो गया उबंटू। और कंटेनर में देखें तो यहाँ पे कंटेनर भी उबंटू का क्योंकि पहले से नहीं बना हुआ तो ये भी अब आ जाएगा और ये उबंटू के नाम से ही है और ये उबंटू का जो लेटेस्ट वर्जन है वही है। तो इसमें एक कमांड होती है लिनक्स में यू नेम के, यू नेम डैश ए। इसमें ये बता रहा है कि इसमें लेकिन उबंटू का वर्जन तो नहीं आ रहा, कर्नल का वर्जन आ रहा है। तो एक गाल्बन कमांड होती है lsb और ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे जहन में अभी नहीं आ रही कमांड। चेक उबंटू वर्जन कमांड गालबन कुछ इसी तरह से थी, lsb रिलीज डैश ए से सारी वो दे देता है। हाँ लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने कस्टमाइज किए हैं वर्जन को क्योंकि नॉर्मल ये वर्जन नहीं है, तो शायद इस वजह से। मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कमांड, डॉक्टर बुंटो चेक डॉक्टर उबंटू वर्जन। देखते हैं डॉक्टर में किस तरह चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको 2024 ही होना चाहिए। वेरीफाई द वर्जन नंबर नहीं, डॉक्टर कंटेनर अच्छा यहाँ पे ये थोड़ी सी मुख्तलिफ कमांड कह रहे हैं। जी मेरा अंदाज़ा ठीक था कि लेटेस्ट वर्जन अभी यही चल रहा है 2004, तो यहाँ पे 2004 ही आ रहा है। तो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो ये भी बहुत माइनर रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो इसको यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ और ये यहाँ से भी गया, लेकिन यहाँ पे ये हमारा कंटेनर बन गया है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा लेकिन कंटेनर ये एग्जिस्ट करता है। अब मैंने दोबारा इसको चलाना होगा तो मुझे फिर वो रन वाली कमांड नहीं चलानी, स्टार्ट वाली कमांड चलानी है वरना ये एक और कंटेनर बन जाएगा। तो अभी मैं आपसे ये शेयर करता हूँ जो मैंने ये sh test के नाम से जो कंटेनर बनाया हुआ है और जो कि sh test के नाम से ये sh फॉर शेल शेल टेस्ट कर रहा था। तो इसमें मैं इसको रन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कंटेनर का नाम है sh test। दिस इज़ version 2, ये सिर्फ इसमें वर्जन्स मैं चेक कर रहा था। और इसका मैं कोड आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या काम किया है।
इसमें सिर्फ डॉकर फाइल बनाई है, और इसमें आप देखें, पहले मैंने ट्राई की है कि अल्फाइन लिनक्स जो है इससे एक्सेस करने की, लेकिन ये कमांड इस पर नहीं चल रही थी, फिर मैंने इसको छोड़ना पड़ा इस पर। यहाँ पर शायद किसी और तरीके से ये चलती होगी, मेरे जहन में नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको कमेंट कर दिया। ये यहाँ पे चैनल साइन किसी लाइन के आखिर में भी आ रहा है, तो ये फिर उसको कमेंट बनाता है। यहाँ पे और केस है, यहाँ पे तो ये इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग है। वैसे लाइन के आखिर में लोग अक्सर कमेंट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेड समथिंग कुछ लिख दिया। बहरहाल ये फिर हमने क्या किया है कि जब हमने ये लिखा है, तो ये कमांड अब रन होगी, ये जो कंटेनर रन होगा जब, तो उसमें ये कमांड रन होगी। तो ये हम एक फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर ये कंटेंट हमने डाल दिया है, ये टेस्ट डॉट एस एच के नाम से। तो बेसिकली हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उसी लिनक्स जो कंटेनर है उसके अंदर ही बने रूट के ऊपर। तो ये अब दोबारा दूसरी कमांड चलाई है, फिर भी ये सेम है, सवाए इसके कि यहाँ पे हमने ये डबल एरो इस्तेमाल किया है। सिंगल एरो से ये है कि ये फाइल इसमें ये पोस्ट ऐड कर देगा, फाइल बनाएगा और उसमें ये कंटेंट ऐड कर देगा। तो डबल एरो से ये है कि उसके अंदर ये जो एग्जिस्टिंग कंटेंट उसको रहने देगा और ये उसमें अपेंड कर देगा आखिर में। तो फिर एंट्री पॉइंट में हम उसको कह रहे हैं कि इसको ये एस एच रन करे, और किसको करे, टेस्ट डॉट एस एच। तो क्योंकि ये स्क्रिप्ट फिर ये बन जाता है, इसको अगर हम नई फाइल में ले जाएं तो अपनी सहूलत के लिए, तो स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। बैक स्लैश एन हो जाएगा उधर ही, और एको, और ये भी लाइन हट जाएगी और ये भी हट जाएगी। तो इस तरह से ये कमांड बन जाए, स्क्रिप्ट बन जाएगा ये एस एच। तो जब ये रन होगा तो इसका तो हम ये बता रहे हैं कि ये एस एच कौन सी रन करनी है, कहाँ से रन करनी है, ये इसमें यही बता रहे हैं हम। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एको करे वर्जन टू, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने यही किया है वर्जन टू। तो इस इमेज को यहाँ पे फिर मैंने, अगर आप देखें अभी तो ये एक ही इमेज पड़ा हुआ है लेटेस्ट, वरना पहले मैंने इसके और इमेजेस बनाए थे, वन वर्जन टू, वो टेस्टिंग कर रहा था कि वो टैग्स किस तरह मैनेज होते हैं। तो अगर हमने इसका एक और टैग बनाना है, तो यहाँ पे मैं अभी कमांड लिखता हूँ। पहले ये मुश्किल नहीं है, ये आप अगर आपने सीखना है तो इसका आसान तरीका ये है कि आप डॉकर, और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, हेल्प लिखें। अब जैसे हर चीज़ याद नहीं रहती बंदे को, तो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी। तो यहाँ पे टैग के नाम से देखते हैं, टैग 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 के नाम से एक इसका पैरामीटर है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे टैग लिख के हेल्प निकाल लेते हैं। तो अब ये सिर्फ टैग की हेल्प बता रहा है, डॉकर टैग हेल्प, डॉकर टैग सोर्स टैग और टारगेट टैग। तो अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, जो हमारा ये वाला इमेज है इसको हम एक इसके देखें, हमने मैं कह रहा था ना कि आपको इमेज अगर आप बना रहे हैं अपने, तो उसके वर्जन्स बनाए। तो उसमें मैंने एक वर्जन का इसका टैग वर्जन का नहीं बनाया, वर्जन वन का बनाना चाहिए था, या जो भी वर्जन मैं उसको देना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको कॉपी करना चाहिए और यहाँ पे हेल्प की जगह इसको हमारे सामने आप देखें यहाँ पे आ रहा है डॉकर टैग सोर्स टैग, सोर्स टैग हमारा यही है, और टारगेट टैग क्या है, और वर्जन इसका मेंशन करना है, तो यहाँ पे कॉलन लगा के वन मैंने कर दिया वर्जन मिसाल के तौर पे। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो गया। और मैं अभी वो इमेजेस की लिस्ट करता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट और वन दोनों आ रहा है, और दोनों की इमेज आईडी सेम है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एक ही इमेज है और ये सिर्फ टैग है उसका। तो
टैग्स का फिर फायदा आगे होता है, वर्जन अगर आप और इसके बनाते हैं तो तब फायदा होता है। तो अभी हम इसका एक और वर्जन बनाते हैं, वर्जन 2। तो अब टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, हमने 3 से 6 सेशन करना था तो टाइम थोड़ा सा है, इसमें हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। और मैंने क्योंकि इस पे इमेजेस पे काम किया है तो मैं इसी को सर्च करता हूँ, पुरानी कमांड्स मेरे पास सामने आ जाएगी। और यहाँ पे इस फाइल को मैं चेंज करता हूँ, 2.2 कर देता हूँ, इसको मैंने सेव भी कर दिया है। नहीं बल्कि यहाँ पे ये चेंज नहीं करना, ये तो अपनी हमने सहूलत के लिए की थी, यहाँ पे वर्जन 2.2 कर देता हूँ, दिस इज़ वर्जन 2, क्योंकि वैसे ही पहले ही 2 लिखा हुआ था तो अभी 2.2 आ जाएगा, तो मुझे वो विजुअली वो आपको भी लगेगा कि डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं अब रन करता हूँ बिल्ड के नाम से, एक इसको हम सर्च भी कर लेते हैं। बिल्ड और इसमें हम जो टी के ये इस्तेमाल करते हैं जो मैंने सीखा है उसमें, तो इसको मैं अभी कंट्रोल आर करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, जो मैंने SH टेस्ट, तो यहाँ पे जो मैंने अभी रिसेंट चलाया था वह अभी कंट्रोल आर करता हूँ एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा फिर, अब ये पीछे जा रहा है, स्टार्ट हुआ, रन हुआ, बिल्ड की एक आ जाएगी अभी, डॉकर बिल्ड, और पीछे जाता हूँ, और बिल्ड, बिल्ड किधर गया, डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड, ये क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, तो ये इस वजह से। अच्छा, इसमें आप देखें कि एक चीज़ गलत हुई हुई है कि वो पहले हमारा शुरू में कमांड है sudo docker build, अभी मैं राइट एरो प्रेस किया, एंटर नहीं दबाया, राइट एरो प्रेस करने से ये होता है कि यहाँ पे आपका कंट्रोल आपके ये एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड टी से ये टैग उसको क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यही लिखूँगा तो ये क्या करेगा, अगर एक और लेटेस्ट के नाम से ये बना देगा इमेज, तो बाद में फिर मैं उसको या यहीं पे भी उसको टैग दे सकता हूँ, जो डार्ट से मतलब ये करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह कि अभी हम डायरेक्टरी में है नहीं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कमांड क्योंकि मैं चाहता हूँ ये करीब ही रहे, इसको मैं शुरू में वैसे ही एक्स डाल दिया है क्योंकि ये एग्जीक्यूट ना हो, एरर देगा। लेकिन अभी मैं वहाँ पे कंट्रोल जाता हूँ, cd docker, टैब दबाया दोबारा, डायरेक्ट मेरे ख्याल में डॉकर का फोल्डर है, उसके अंदर चीजें हैं, हाँ ये कैपिटल डी लिखना था, ये देखें अब छोटी सी गलती है, cd और कैपिटल डी डॉकर स्लैश, चले मैं इसके अंदर जाके फिर ls करता हूँ, और यहाँ पे cd डॉकर SHTest, ये इस नाम से फोल्डर है, तो अब हमारा कंट्रोल ठीक है और डॉकर फाइल इसी के अंदर है, इसको हम कैट करके भी कैट डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यही 2.1 ही आ रहा है। तो अब मैं वही जो कमांड मैं कर रहा था, एक्स शुरू में डाल दिया था कि वो गलत हो जाए, लेकिन अब ये ठीक हो गई है। तो इसको अब देखेंगे जब मैं रन करता हूँ तो ये अब बिल्ड करेगा नया इमेज, अब ये इमेज किस पे बेस करके हो रहा है, ये लेटेस्ट उबंटू के ऊपर बेस करके बना है, और ये कमांड उसने रन की, वही फाइल बनी, फिर ये और ये इमेज ये बन गया। तो अभी हम इमेजेस की लिस्ट करते हैं, अभी हम इसका टैग देखे नहीं बनाया, लेकिन आपने अगर याद हो, अगर आपको
इमेजेस, अगर आपको याद हो कोई यहाँ पे एक, यहाँ पे ये इमेज है वन और एक ये इमेज है। अब देखें इनकी आईडी चेंज हो गई है, जब ये पहले मुझे याद नहीं कि हमने यहाँ पे लिस्ट की थी इमेजेस या नहीं, अगर किए थे तो ये देखें दोनों की सेम आईडी थी, क्योंकि ये उस वक्त दोनों एक ही इमेज थे, अब दो इमेज बन गया, क्योंकि हमने जब ये कमांड चलाई है आखिरी, तो उसने क्या किया है कि बिल्ड जो रिसेंट इमेज बनना है उसी को, जब हम इसमें मेंशन नहीं करते ना कॉलन लगा के वर्जन, तो वो जो लेटेस्ट वर्जन होता है ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइड कर देता है। तो यहाँ पे इसने यही किया है कि लेटेस्ट वर्जन जो था उसको नया इमेज बना दिया है, नया इमेज बनाया है और उसको लेटेस्ट के टैग ऑटोमेटिकली दे दिया, यानी जो पहले से टैग उसका था ऊपर जब हमने देखा है उसको ओवरराइड कर दिया, तो वो वर्जन वन हमने पहले से बनाया हुआ था तो वो वैसे ही रहा है, ये उसकी आईडी वही रही है और ये नया बन गया। तो अब हम इसको टैग करते हैं, तो टैग की क्या कमांड है जी, सुडो, ये मैं लिनक्स में जिस तरह इंस्टॉल किया इस वजह से ये मुझे लिखनी पड़ रही है, डॉकर टैग, और इसको मैं अब करना चाह रहा हूँ वर्जन वन है वर्जन टू कर लिखना चाह रहा हूँ, तो ये लिखा मैंने, इधर से इसको पेस्ट किया, स्पेस सोर्स हो गया और ये टारगेट कॉलन टू, तो ये मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो इसको भी मैं एंटर दबाता हूँ और फिर मैं इमेजेस लिस्ट करता हूँ, तो हम देखेंगे ये लेटेस्ट और ये अब सेम है, क्योंकि सोर्स इमेज यही था उसी को हमने टैग किया, तो इसलिए इसने आईडीज उनकी सेम रखी है, तो ये फिर स्पेस भी एक दफ़ा ही कंज्यूम करेगा और एक दफ़ा इसकी कंज्यूम हो रही है, लेकिन ये भी ओवरऑल उस तरह ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, क्योंकि ये कंटेनर टेक्नोलॉजी ने, ये क्यों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर बेस करके बने हैं, तो जो कॉमन चीज़ें होंगी ये इसने यहाँ से इस इमेज में वही ली होंगी कॉमन चीज़ें, और जो सिर्फ डिफरेंस होगा वो उसमें रहेगा, तो इस वजह से बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी हम देखते हैं कि अब हम इसको रन, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे हम देखें, हमने इसको रन पहले से किया हुआ है एस एच टेस्ट इस नाम से, तो इसको हम एक दफ़ा फिर रन करते हैं, और अगर वर्जन अब हम मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली वर्जन टू ही होगा, यानी लेटेस्ट अब टू, और लेटेस्ट मतलब एक ही मुराद है, तो वहाँ पे हमें नज़र क्या आना चाहिए, 2.2 आना चाहिए। तो इसको मैं इसको रन करता हूँ, और मैं इसको क्योंकि पुरानी कमांड निकालता हूँ ताकि गलती कम से कम हो, कंट्रोल आर कंट्रोल शिफ्ट वी, वो ये वाला टेक्स्ट टाइप हो गया, तो ये स्टार्ट वाली हमें कमांड नहीं चाहिए, पीछे पीछे जाना है जहाँ पे रन हमने किया होगा, तो ये कंट्रोल आर किया मैंने, रन नेम, अब देखिए मैंने लेफ्ट एरो, लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करें तो ये आप उसी जो कमांड सामने नज़र आ रही थी वो फिल्टर कर रहा था उसी को ये ओपन कर देता है, तो यहाँ पे इसका नाम मैं टू लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये नाम बनेगा ना, ये हमारा वो इमेज जब उस स्पेस करके कंटेनर बनेगा तो कंटेनर का नाम ये होगा, तो यहाँ पे अब देखें यहाँ पे या तो मुझे वर्जन वन चाहिए होता ना, अगर इमेज बना रहा हूँ कंटेनर बना रहा हूँ तो वन में यहाँ पे मेंशन करता तो वो वर्जन वन होता, या अगर टू करना है तो टू, लेकिन टू और लेटेस्ट सेम ही है, तो अमूमन आप जब लेटेस्ट चाह रहे होते हैं तो फिर आप मेंशन नहीं करते लेटेस्ट वर्जन, वो ऑटोमेटिकली, और आपको लेटेस्ट इमेज जब आप बना रहे होते हैं उसमें अगर आपने वर्जन टू मेंशन किया है जैसे पीछे हमने कमांड चलाई है, तो आपको लेटेस्ट का टैग खुद से डालना होता है, तो मैं ये करता हूँ कि जब नया इमेज बनाता हूँ तो उसमें वर्जन मेंशन नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली एक नया लेटेस्ट का इमेज बनाएगा और फिर उसको टैग करके वर्जन दे देता हूँ, इस तरह ये है कि फिर वो कन्फ्यूजन नहीं रहती, वरना ये है कि अगर आप भूल जाते हैं ये स्टेप नीचे वाला लेटेस्ट वाला उसको टैग ऐड करने का, तो फिर ये होगा कि वो हो सकता है वर्जन वन ही लिंक हुआ वो हो लेटेस्ट के साथ और एक्चुअल में आपने वर्जन टू भी बना चुके हैं, तो ये गलती होने का चांस होता है। फिर इसको हम पब्लिश भी करते हैं,
तो वो खैर बाद में देखेंगे, पहले हम ये इसको रन करके देखते हैं। तो इसको अब मेंशन मैंने नहीं किया है, टाइम भी हमारा तकरीबन क्लोज हो चुका है और ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन भी ठीक हो गई है। और यहाँ पे अब हम कंटेनर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं, और ये SH2 के नाम से कंटेनर है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे अगर जब हम ये पहले चला रहे थे तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखें, पुरानी जो कमांड्स हमने चलाई हैं उसमें ये इसने ये मेंशन किया है कि ये इस इमेज पे बेस करके बना हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो वर्जन 1 था, अब यहाँ पे उसकी आईडी इसने देनी शुरू कर दी है, बजाय उसका नाम वो देने के ना, क्योंकि हमने उस वक्त ये लेटेस्ट था, तो अब लेटेस्ट जो है वो ये वाला हो गया है, तो इस वजह से ये इधर आ गया। तो अगर हम एक और इमेज बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उसमें वर्जन मेंशन करते हैं, ये इसको रन कर रहे हैं और इसको 2 पॉइंट, वैसे ही 1 नाम दे देता हूँ, और इसको भी colon 2 खुद मेंशन कर देता हूँ। तो खैर यहाँ पे तो उसने वही दिखाना था, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ पे वो वर्जन यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। LSA किया, तो यहाँ पे फिर अच्छी बात यह कि वर्जन इसने दिखाया है। तो मसला फिर तब है कि जब आपने एक पुराना आपके पास लेटेस्ट के साथ आपने चलाया था, और बाद में लेटेस्ट जो है वो किसी और इमेज की जो लेटेस्ट वर्जन 2 है उसके साथ लिंक्ड अप हो गया है, तो फिर वो यहाँ पे उसका नाम हटा दिया, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फिर हो जाता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन फिर ख़त्म हो सकती है कि यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, और जहाँ पे इमेजेस लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे सर्च करके देख लें, तो ये पता लग जाता है कि ये देखें इसका वर्जन 1 था, ये उसी का है। तो ठीक है, फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होंगे नई चीज़ों के साथ। शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।